नमस्कार दोस्तों, मैं संस्कार सिद्धांत कुमार वापस हूँ एक और वीडियो साथ। देखो गुरु, पहले आते कंजूस, फिर आते महा कंजूस, फिर आते हमारे देश के बनिए। और ये वही बनिए होते हैं जिन्होंने हमारे देश का लगभग 70% पैसा दबा के रखा है। और मैं लिख के दे सकता हूँ कि जितने कैसे हमारे देश के बनिए के पास है, उतना IMF, रिजर्व बैंक और स्विस बैंक के पास भी नहीं होगा। और आप लोगों ने ये कहा तो जरूर सुनी होगी कि हर कंजूस बनिए नहीं होता, लेकिन हर बने कंजूस जरूर होता है। क्योंकि कंजूसी की हद आप इस तरीके से पता कर सकते हैं कि 2 जोड़ी शर्ट और 3 जोड़ी पैंट में पूरी अपनी जिंदगी बिता देते हैं। और ये चूतिए बिस्कुट भी पार्ले जी ही लेते हैं, क्योंकि 5 रुपये में सबसे ज़्यादा बिस्कुट उसी में निकलते हैं। एक बनिया, सच्चा बनिया वही होता है कि जिसके बैंक में लाखों करोड़ रुपए होंगे, लेकिन उसकी टूटी हुई चप्पल और भिखारी जिसे शक्ल से आप पता नहीं कर सकते वो भोंसले के कितने ज़्यादा अमीर है। ये इतने बड़े चूतिए होते हैं कि अपने बेटे तक को नहीं बताते कि वो कितने ज़्यादा अमीर है। उसकी नज़र में भिखारी बन के रहते हैं। उससे जब मरने का समय आता है तो अपने बेटे को बुला के बताते हैं कि अरे फलत जगह पर हमारे इतने रुपये रखे हैं, तो उसके बेटे की गांड फट जाती है। और एक बनिया, सच्चा बनिया वही है जो वित्त जोखिम की संभावना से 4 कदम दूर है। मतलब ये शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट नहीं करते, ये सोने में इन्वेस्ट करते हैं जो आगे चल के इनको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दे सके। एक जो बनिया होता है और एक जो आम आदमी होता है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं। अब हम जो होते हैं आम आदमी लोग, वो फटे कपड़े पहनते हैं ताकि लोग हमें अमीर समझे, और वो फटे कपड़े पहनते हैं ताकि लोग उन्हें अमीर ना समझे। उनकी कमा कमा के पैंटों की जेब फट जाती है, हमारे बिना के में गांड फट जाती है। ये होता है एक बनिया और एक आम आदमी में डिफरेंस। और आप लोगों ने यह बात भी जरूर सुनी होगी कि बनिया का जो बेटा होता है वह दुकान संभालता है और बनिया की बेटी घर। तो बनिया का बेटा भले ही दुकान संभालता होगा, लेकिन आजकल के ज़माने में बनिया की बेटी घर नहीं संभालती। और आप लोगों को कभी भी अगर मौका मिले तो आप एक बनिया की बेटी को पटाएं, क्योंकि जिस दिन आपने एक बनिया के बेटे को पटा ली, उस दिन आपके जीवन के आधे दुख ऐसे ही खत्म। क्योंकि बनियाओं की जो बेटी होती है वो अपने बापों जैसे कंजूस नहीं होती, वो पूरा खोल के खर्चा करती हैं, दिल खोल के खर्चा करती हैं। और देर इज़ अ मिसकंसेप्शन बिटवीन द पीपल्स दैट बनियाज डॉटर आर नॉट ब्यूटीफुल, दे आर नॉट प्रिटी, दे हैव अगली फेसेस, दे आर फैट। तो भोंसले के उन जैसे चूतियों को तुम ईसा गुप्ता की फोटो फेंक के मारो, बिना हिलाए छू जाएगा, इस कदर की खूबसूरत है वो। और ब्यूटी के बाद अगर बनिया अगर किसी चीज़ में बेहतर होते तो वो गणित और वो है गिनती। इनकी गणित इस तरीके की बेस्ट होती है कि अपने मरने के चांसेस कैलकुलेट कर लेते हैं। जो मरने वाले होते हैं तो उसके चांसेस कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर वो मरने के चांसेस ज़्यादा तो सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे, और अगर मरने के चांसेस कम है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे, क्योंकि प्राइवेट में पैसा लगेगा, सरकार में पैसा नहीं लगेगा। और मैंने तो अपने बनिया दोस्तों से बस यही सीखा है कि तुम दूसरे के 4 रुपये निकलवा लो, लेकिन अपने 4 पैसे भी मत निकालो। ये होता है एक सच्चा बनिया। खैर, जिंदगी झंडे फिर भी घमंड है। आप बताएं कि आप अपने बनिए दोस्तों के बारे में क्या सोचते हैं, और अपने बनिए दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। तब तक करें लाइक, करें सब्सक्राइब, करें कीजिए ना।